दोस्तों, देवों के देव कहे जाने वाले महादेव अर्थात भगवान शंकर की बात ही निराली है। सारे त्रिलोक का पालन करने वाले भगवान शंकर को सभी प्राणियों का जन्मदाता अथवा उनका कल्याण करने वाला माना जाता है। पर एक बात हम सभी के मन में रहता है कि जो सारे संसार का मालिक है उनके माता पिता कौन है। तो आइए आज के वीडियो में जान लेते हैं कि भगवान शंकर का जन्म कैसे हुआ और इनके माता पिता कौन है। वेद कहते हैं कि जो जन्मा उसकी मृत्यु अवश्य होगी, जो बना वो जरूर मिटेगा। वेदों के अनुसार ईश्वर या परमात्मा अजन्मा, अप्रकट, निराकार, निर्गुण और निर्विकार है। जहाँ अजन्मा का अर्थ है जिसने कभी जन्म ना लिया हो और जो आगे जन्म भी ना लेगा। प्रकट का अर्थ है जो किसी के गर्भ से जन्म ना लेकर स्वयंभू प्रकट हुआ हो, और अप्रकट जो स्वयंभू प्रकट भी नहीं है। निराकार जिसका कोई आकार नहीं है। निर्गुण अर्थात जिसमें किसी प्रकार का गुण ना हो। निर्विकार अर्थात जिसमें किसी प्रकार का विकार ना हो। अब सवाल यह है कि फिर भगवान शिव क्या हैं? वे किसी न किसी रूप में जन्मे या प्रकट हुए, तभी तो उन्होंने विवाह भी किया, तभी तो उन्होंने कई असुरों को वरदान दिए और कई असुरों का वध भी किया। दरअसल जब हम शिव कहते हैं तो वह एक निराकार ईश्वर की बात होती है, और जब हम सदाशिव की बात करते हैं तो ईश्वर या एक महान आत्मा की बात होती है, और जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो वह सती या पार्वती के पति महादेव की बात होती है। बस हम यही भेद नहीं समझ पाते। अक्सर भगवान शंकर को शिव भी कहा जाता है, परंतु शिव और सदाशिव दोनों एक नहीं हैं। चलिए अब हम आपको थोड़ा और विस्तार से बताते हैं कि शिवजी का जन्म कैसे हुआ। शिव पुराण के अनुसार भगवान सदाशिव और देवी शक्ति जिसे पराशक्ति अंबिका भी कहा जाता है, उनसे ही भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई है। उस अंबिका को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं, अर्थात जो अपने आप में सारी सृष्टि हो। सर्वेश्वरी अर्थात सब कुछ एवं तीनों देवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता हैं। जब इस धरती पर कोई नहीं था तब देवी शक्ति या जिसे अंबिका भी कहा जाता है, जो सदाशिव द्वारा प्रकट हुई थी, उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली है। वह शक्ति की देवी काल रूपा सदाशिव की अर्धांगिनी दुर्गा है। उन्हीं सदाशिव से दुर्गा भी प्रकट हुई है। एक बार काशी के आनंद रूपी वन में रमन करते हुए सदाशिव व अंबिका को यह इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर इस पूरे संसार का कार्यभार सौंपकर हम निर्वाण धारण करेंगे। इसी इच्छा को मन में रखकर उन्होंने अपने बाएं अंग से विष्णु को प्रकट किया। इस प्रकार विष्णु के माता पिता देवी अंबिका और सदाशिव हुए। विष्णु को उत्पन्न करने के बाद उन दोनों ने पुनः प्रयास करके अपने दाएं अंग से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके तुरंत ही विष्णु के नाभि कमल में डाल दिए। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का जन्म हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु के माता पिता तो देवी शक्ति अंबिका और काल रूपी सदाशिव हुए, परंतु भगवान शिव की उत्पत्ति को लेकर कई पुराणों में अलग अलग तरह के वर्णन मिलते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से यह सवाल पूछा था कि हे महादेव, आपके जन्मदाता कौन है? तो भगवान शंकर ने कहा कि हे मुनीश्वर, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा है, क्योंकि इस सृष्टि की रचना उन्होंने ही की है। तब ऋषियों ने उनसे फिर से पूछा कि आपके दादाजी कौन हैं? तब शंकर जी ने कहा कि मेरे दादाजी इस सृष्टि के पालन करने वाले श्रीहरि विष्णु जी हैं। इतने से ऋषियों की जिज्ञासा शांत नहीं हुई, तो ऋषियों ने पुनः भगवान शिव से ये पूछा कि अगर आपके पिता ब्रह्मा जी एवं दादा भगवान विष्णु जी हैं, तो आपके परदादा कौन है? तब भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनके परदादा स्वयं भगवान शिव हैं। तो वहीं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से ये सवाल किया कि सृष्टि का निर्माण किसने किया एवं आप त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माता पिता कौन हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रकृति स्वरूप अंबिका और काल रूपी सदाशिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है। अर्थात ब्रह्मा जी एवं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार काल रूपी सदाशिव एवं देवी शक्ति अंबिका के योग से त्रिदेवों का जन्म हुआ है। वैसे अनेक पुराणों में अनेक प्रकार के वर्णन मिलते हैं, पर यह भगवान की माया है। भगवान ही जाने, उनकी लीला तो समझ पाना हम तुच्छ मानवों के लिए संभव नहीं है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।